सभी दोस्तों का दोबारा से मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप NVSP मतलब नेशनल वोटर सर्विस प्रोवाइडर इसके अंदर आप खुद का न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपना ID फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आपने काफ़ी समय पहले अपना ID पासवर्ड बनाया था NVS की साइट पर तो आपको ID पासवर्ड नहीं पता होगा, तो कैसे आप अपना ID और पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, मैं आज के वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। सो वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है, वीडियो को आपको स्किप कहीं नहीं करना है जिससे कि कोई आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिले और आगे जाके कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ये 2023 का लेटेस्ट वीडियो है, इसके अंदर कुछ अलग भी बताया जाएगा क्योंकि अभी जो NVS की साइड है वो अपडेट हो गई है, ये आपको भी पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट बताऊँगा तरीका और आपको अच्छा भी लगेगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट करेंगे तो मेरे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको इसी तरह की नई नई वीडियो मेरे चैनल के थ्रू प्रोवाइड होती रहेंगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अगर गाइस आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन के अंदर कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप के अंदर कर सकते हैं। सो चलते अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस जैसा कि हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ गए, यहाँ पे आपको सर्च करना है, आना न्यू टैब खोलना है, यहाँ पे सर्च करना है NVSP। यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपका प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आपको इस तरह का पेज खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने पहले वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर रखा और आपको ट्रैक करना है कि आपका बना है कि नहीं बना है, तो यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जौन सी जगह से आपने अप्लाई करा था यहाँ पे जगह चूज कर लेना है, और यहाँ पे आपको जो नंबर मिला होगा स्लिप में वो आपको नंबर डाल के ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करना है। तो हमें पहले नया आईडी बनाना है, तो नया आईडी बनाने के लिए यहाँ पे आपको आना होगा, NVS वोटर इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह का थोड़ा सा सर्चिंग लेगा, सर्चिंग होने के बाद आपको इस तरह का एक नया इंटरफेस खुल जाएगा स्क्रीन पर, तो यहाँ पे भी आपको कई सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको नया आईडी बनाने के लिए यहाँ पे आपको लॉगिन वाले पे क्लिक करना होगा। लॉगिन वाले क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आईडी और पासवर्ड मांगेगा, अगर आपने पहले क्रिएट कर रखा है तो यहाँ पे आपको आईडी और यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल के आपको लॉगिन कर लेना है कैप्चर को डाल के। अगर आपने आईडी नहीं बनाया है, आपको न्यू आईडी बनानी है, तो आपको न्यू सिंग अप न्यू यूजर पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज खुल के मिल जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का आपको एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। होने के बाद यहाँ पे जौन से नंबर से आप आईडी बनाना चाहते हैं यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP आएगा, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइव प्रूफ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डाल देना है, यहाँ पर आपको कैप्चर कोड फिलअप कर देना है। कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद आपको करना क्या होगा, कैप्चर कोड फिलअप करते हैं यहाँ पर आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP आएगा, जैसे कि यहाँ पे आपका यहाँ पर नंबर है, ये आपका पहले से रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे OTP आपका नहीं आएगा। तो आपको अगर इस तरह से आपको मैसेज दिखाता है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको दोबारा से होम पर आना है। होम पर आने के बाद आपको दोबारा इस साइड को ओपन करना है। साइड पर ओपन करने के बाद अगर आपका फ़ोन नंबर से आईडी पासवर्ड बना है तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फॉरगेट वाले पर क्लिक करना है। फॉरगेट वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक नया पेज मिल जाता है, यहाँ पर आपको जौन से नंबर से आप आईडी आपकी बनी है यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डाल देना है, जैसे कि मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चर कोड आपको फिलअप करना है। कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर कैप्चर कोड फिलअप मैंने कर दिया है। कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको OTP आपके फ़ोन नंबर पर गया होगा, तो यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर से OTP आपको ले लेना है, जैसा कि मैं अपना फ़ोन नंबर पर OTP देख लेता हूँ, अगर आया होगा तो यहाँ पे मैं OTP फिलअप कर देता हूँ। OTP जैसा कि मेरा आ गया है, OTP मैं यहाँ पे आपको फिलअप करके दिखा देता हूँ। OTP जैसा कि मेरा आ गया, यहाँ पे फिलअप कर दिया, यहाँ पर वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपसे न्यू
पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करना है, यहाँ पे रीसेट पासवर्ड क्लिक करेंगे तो आपका नया पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा। और अगर आपने जनरेट कर लिया है तो यहाँ पर आपको दोबारा होम पे आना है, न्यू वेबसाइट पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद लॉगिन वाले पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, यहाँ पे कैप्चर कोड डालना है, यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे आप कुछ भी अदर काम कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।